रविवार रात को खरगोन तहसील परिसर से चोरों ने एक दुकान में दीवार में सुराख बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एमजी रोड पर थाना कोतवाली खरगोन के सामने साड़ी दुकान में चोरी की वारदात हुई है। रविवार रात को तहसील परिसर से चोरों ने एक दुकान में दीवार में सुराख बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एमजी रोड पर थाना कोतवाली खरगोन के सामने साड़ी दुकान में चोरी की वारदात हुई है। खरगोन में एमजी रोड पर चोरी की घटना सामने आई है। साड़ी दुकान को चोरों ने तहसील कार्यालय परिसर से घुसते हुए दीवार फोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहाँ गणेश जी बैठते हैं तो 14-15 दिन के लिए मैं दुकान देना पड़ती है। कल ही मेरे को मिली थी दुकान और मैं जमा रहा था कल ही। कल मैंने शाम तक मेरा काम 6-6:30 बजे तक पूरी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मतलब ये पीछे से मतलब तहसील कंपाउंड में पीछे गली है, बाथरूम के पास से गली है, वहाँ से पीछे से दीवार फोड़ी गई है। ये देखिए इधर ये गली है, यहाँ से दीवार फोड़ी गई है। उसमें से मतलब मेरा माल करीब करीब 1 लाख रुपये का अनुमान है। मेरे को 350-400 साड़ी गई है और 4,000 या 6,000 भरे। बहरहाल वो असल में क्या दान पेटी के पेमेंट है तो वो हमेशा एकदम एक्यूरेट तो याद रहता नहीं है। तो वो लगभग ये 5,000 रुपये के समथिंग 4,000 इस टाइप से दान पेटी में था पेमेंट, वो गया है। खरगोन में पुलिस थाने के सामने चोरी होना पुलिस की माइक्रोबीट प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। थाने के सामने ही व्यापारिक स्थल यदि सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है।